हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ। मतलब बस ये छोटी मोटी सी थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है, तो ये करीब 3 से 4 दिन हो गया मुझे हुए। तो आप समझ सकते हो, सर्दी खांसी तो 3-4 दिन तो रहता ही रहता है। तो इसलिए 3-4 दिन तक का मेरा ऐसे ही चला गया। पहले का वीडियो जो मैंने बनाया था वो अभी अपलोड किया है, कल और एक परसों और ये संडे वाला आज अपलोड किया है। तो बस आज से मैंने कहा थोड़ा गला ठीक है, सर्दी में ऐसा ही होता है। मेरे बच्चे भी सो रहे, मैं भी थोड़ा, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, सर्दी वगैरह और थकान या तबीयत ठीक नहीं होता, तो मैं थोड़ा ना रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं भी रेस्ट कर ली, तो रेस्ट करके उठी तो बहुत ही बेटर फील कर रही हूँ। और अभी चल रही हूँ मैं चाय बनाने, शाम का टाइम हो गया और बच्चे दोनों सो रहे हैं। घर को भी मैंने झाड़ू लगा दिया है, घर में जो शाम का झाड़ू लगता है वो कर लिया साफ। बस चाय पी लेती हूँ और बाल बाल वगैरह भी अभी मैंने कंघी किया है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था तो करती भी नहीं थी। और अभी किया जाके लेटी भी थी, आराम मिला थोड़ा, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही बेटर फील हो रहा है। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और हाँ, गुड़ की चाय बनाई है मैंने। देखिए आज मैंने बहुत ही छोटी सी बिंदी लगाई है, दिख भी नहीं रहा है। ये बिंदी मेरी शादी के टाइम की है, यानी शादी के बाद जब मैं मायके गई थी, तो जब पटना गई थी तो वहाँ से मैंने छोटी सी बिंदी लिया, क्योंकि जब कॉलेज में जाती थी तो अच्छा भी नहीं लगता था ये सब करने का, जब आदत नहीं होता है ना शादी से पहले का। अचानक से शादी के बाद ये सब बिंदी वगैरह लगाओ तो खुद में कुछ शर्म सी आती है। तो इसलिए मैंने बहुत ही, देखो पॉइंट जैसा, डॉट जैसा मैंने बिंदी लिया था, इतना बड़ा पत्ता है तब का मैंने रखा है। फिर इतने छोटे से स्टार्ट किया था, पहले लगाती थी मम्मी लोग डांटती, ये लगाई। उसके बाद धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने हुआ, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उससे और बड़ा साइज़ लिया, और अब तो मीडियम साइज़ है। लगाती हूँ, कभी मन करता है ये भी लगा लेती हूँ, कभी मन करता कोई भी लगा लेती हूँ। चलो चाय पी लेते हैं। और मैं शाम के टाइम में थोड़ा मार्केट गई थी, मार्केट मतलब नीचे ही गई थी, दुकानों में सब्जी की दुकान लगती है यहाँ नीचे ही रोड पे। तो बस हरा साग लाने गई थी, मेथी है, पालक और टमाटर और फ्लावर है, हरा धनिया। क्या कब क्या हाँ बेटा मेरी बेटी ना सो के उठी थी, इसलिए उसका मन थोड़ा चिड़चिड़ा था, तो इसलिए वो रो रही थी। तो उसे भी मैं देख रही थी, और मैं पूजा करना था अभी, मुझे सो रही थी, उठी उसके बाद ही उसे मैं ले गई थी सब्जी लेने के लिए साथ में। तो इसलिए उसका मन थोड़ा ठीक नहीं है, तो पूजा करते समय मेरे पास वो नीचे ही बैठी थी। बिटिया मेरी बेटी रो रही बाहर घूमने जाने के लिए, घुमा के ले आई फिर भी है करो बेटा, है करो, अभी गुस्से में है नहीं करेगी, चलो जा करो, प्रे करो। मैं ये बनाने जा रही हूँ पाव भाजी, पाव की भाजी है ये। मैंने थोड़ा मटर लिया है, फ्लावर और आलू, और कुकर में मैंने जीरा डाल दिया है तेल डाल के, और टुकड़े में आलू काट कट कर लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में, उसको डाल दे रही हूँ। जैसे सब्जी का तड़का लगाते हैं सेम वैसा ही, इसको मुझे सब्जियों की तरह भूनना पड़ेगा, भूनूंगी। फिर अभी देखो फ्लावर भी डाल दिया, उसको भी डाल के भून रही हूँ, और अभी मैं डाल दूँगी मटर। तो इस तरीके से बनाने से ना ये भाजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मसालों और तेल का फ्लेवर भी आता है सब्जी में। और इसमें हल्दी और लाल मिर्च डाल रही हूँ, और 2 टमाटर है,
बड़े साइज का, 4 टुकड़ों में मैंने इसे भी कट कर लिया और डाल दे रही हूँ। और 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी है, अच्छे से गल जाएगा। 2-3 सीटी लगेगा, बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। और ये देखिए सब्जियाँ गल गई है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ऐसे तो कच्चे भी उबाल के बनते हैं, लेकिन कच्चा उबाला हुआ का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है जितना अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैं इसको मैशर से मैश कर दे रही हूँ और बहुत ही आसानी से मैश हो गया है। और देखिए मैंने 2-3 प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च ले लिया है और जीरा मिर्ची का तड़का लगा के प्याज डाल दे रही हूँ। और ये अच्छे से इसको भून लूँगी जब तक से इसका अच्छा कलर ना आ जाए और ये प्याज गल ना जाए। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें टमाटर भी, टमाटर वगैरह डाल के मैंने पका लिया था, और शिमला मिर्च भी। ऐसे तो इसमें गाजर भी डाले जाते हैं, पर गाजर नहीं था, मार्केट में भी नहीं मिला गई तो। और इसमें मैं डाल रही हूँ बस वो पाव भाजी मसाला और लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, नहीं हल्दी नहीं डालूँगी, हल्दी मैंने पहले ही डाला था उबालते समय। तो बस इसको अच्छे से मैं भून लूँगी जब तक से पकने जाए, मसाले तेल छोड़ने लगे तब तक इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो गाइस मेरा भाजी बन गया है, बस पाव सेकना है। ये रहा पाव, हस्बैंड जी आएंगे तो गरम गरम सेक के फिर खाते हैं, उनको खिलाते हैं। और पाव को मैं यहाँ पे बटर लगा के सेक ले रही हूँ अच्छे से, दोनों साइड से सेक लेती हूँ मैं तो, ताकि अच्छे से सिक जाए। और इसमें मैं भाजी में मैं तड़का लगा रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, और बटर में ही तड़का लगा रही हूँ मैं। चलो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए हमारे साथ। मेरा बेटा ना कुछ भी खाता नहीं है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया। देखो मेरे हस्बैंड पाव भाजी उसे खिला रहे हैं, वो नहीं खा रहा है, सिर्फ पाव को ना अकेला ऐसे ही जो बटर में सेका है वही खा रहा है, खाता नहीं है, बहुत ही नाटक करता खाने में। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे दूध पी रहे हैं, खाना फिनिश हो गया था, खाना खा लिया था। हाँ हाँ बेटा, किट्टू को देखो। गाइस अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं। और हाँ, भाजी पाव की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके गाइस हो गया है, चलो अब अभी मुझे मेथी के पत्ते भी तोड़ने हैं। देखिए थोड़ा तोड़ा है, थोड़ा तोड़ना है, इसे तोड़ूंगी तो फिर उसके बाद सोऊंगी। और बेटी अगर सो जाती है तो तोड़ूंगी, नहीं तो उसको सुला के तब तोड़ूंगी, फिर मैं सोऊंगी, फिर टाइम रहा तो एडिट करूंगी, नहीं तो कल करूंगी। ओके बाय बाय। ये रबड़ लिया है मेरी बेटी का बाल में लगाने का रबड़। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर स्वीट ड्रीम, बाय।